uh-huh من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا कुरान मजीद में सरह फ़ुन की आय करीमा जिसके जैल में कुरान के फ़ुर् और हक वातिल के दरमियान में फ़र्क करने की सिफत पर गुफ्तु हो रही है कि जिसकी तरफ सरह बकरा की आयत की में भी बयान किया गया है कल जो हमारी गुफ्तु थी वो इस मरहले में थी कि आ, पूरी कायन और इंसान के तमाम आमाल अतवार और जो कुछ भी इंसान अंजाम देता है उन सब सबका महवर वो हक है और उस हक को इंसान जो है वो अपनी आखिरी मंजिल में जब तमाम इंसानों के आमाल और उनके तमाम कारनामे पेश किए जा रहे होंगे तो वहाँ पर कुरान कहता है सूरह आराफ़ में कि बलबिनों में अल हक़ दूसरा मरहला ये बयान किया गया कि पूरी कायनात का महवर और मरकज़ तो हक़ है इंसानों का भी मरकज और महवर हक है इंसानों की शनाख्त और इंसानों का के हिसाब किताब सब का मीज़ान और मेयार जो है वो हक है लेकिन ख़ुद हक ख़ुद हक़ की मरकजियत और हक कहाँ से है ये क़ुरान कहता है कि अल हक को मिन रब क्या हक़ तुम्हारे परवरदगार की तरफ से है ख़ुद ज़ात खुदा हक है जिसके लिए कुरान में आयत पेश की आपकी खिदमत में और भी आयात हैं बाद में बयान होंगी ज़ात परवरदगार हक़ है उसकी सिफत एक सिफत हक़ है उसके आसमा में से एक नाम हक़ है और वो उसकी तरफ़ से जो कुछ है वो हक़ है और सोर बकरा में सरह बकरा की आयत नंबर एक सौ गालबन अड़तालीस में ये मतलब बयान किया गया कि एक सौ सैतालीस नंबर आयत में कि को मिन रब क्या फ़ला तक निनलम तरीन हक तुम्हारे परवरदगार की तरफ से है लिहाजा अब तुम शक करने वालों में से नहीं होना हालत शक में नहीं रहना यानी अगर हक को पहचान ले इंसान तो फिर ये जो शक का मरहला है और बहुत सारे लोग अमली तौर पर शक की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मुमकिन है कि यूँ अगर उनसे पूछा जाए तो वो अपनी हक्कानियत का बहुत ऐलान करें लेकिन उनकी अमली ज़िंदगी को जब देखें अमली ज़िंदगी में मुख्तलिफ मतजाद चीज़ें जब उनकी नज़र आती हैं तो वो दर हकीकत तो उनके अंदर का पता दे रही होती हैं चूँकि जो चीज़ें इंसान अमल में करता है वो सब के सब उसके पीछे छिपे हुए उसके उसके अक़दे और उसके उसके तो उसके तफक् की तरफ निशान नहीं कर रहा होता है ला वो इंसान की जो अमली तौर पर मतज़ाद चीज़ों के शिकार हैं दर हकीक़त अमला वो शक शक में है कन्फ्यूज़ है, आप आ, इसको और ज़्यादा इस पर बहस की ज़रूरत है लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है कुरान कहता है कुछ लोगों के बारे में कि ला इलाहा उलाई वला इला उलाए ना इधर हैं ना उधर हैं एक बहुत ही मुफसल बहस है कुरान की जो फ़िलहाल शायद हमारी गुंजाइश में ना आ पाए वह है मुनाफी की बहस दस से ज़्यादा सूरों में कुरान ने मुनाफीन की बहस की और बाज जगहों में बहुत ज़्यादा मुफसल बहस की है जी मसलन खुद सूर बकरा में मुफसल बहस है सूर मुनाफुन है ही मुनाफी के बारे में इसके अलावा और दीगर मुतद सूरों में जो कुरान ने बहस की है उसमें एक मतलब यही है कि मुनाफ़ी वह हैं कि जिनके जिनके लिए हक रोशन नहीं है कन्फ्यूज़ लोग हैं हक को नहीं समझ पाए हैं लिहाजा मुमकिन है कि वो ज़बान से इज़हार कर रहे हों वो हक़ का इज़हार कर रहे हों जबान से और सूरह मुनाफ़ुन में कहा भी जा रहा है कि वो जो कह रहे हैं झूठे हैं वो अपने कहने में क्यों इसलिए कि उनकी अमली ज़िंदगी को जब उठा के देखें तो ऐसा नहीं है और इस तरह का नफाक जो है वो एक राइज नफाक है ख़ास हमारा माशरा जो है एक बहुत ही मुनाफिकाना माशरा है असल शहीद मतहरी रमत मुझे याद नहीं कि अपनी किस किताब में इस मतलब को बयान किया है बहुत पहले कभी पढ़ा था लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत मतलब बयान किया कि इस अहद को हमारे ज़माने को इस असर को जो ये पीरियड गुजर रहा है उसको एक एक नाम जो दिया जा सकता है वो अहद नफाक असर नफाक नफाक का दौर है यानी नफाक बड़े पैमाने पर आलमी पैमाने पर नफाक हुकूमती पैमाने पर नफाक पूरी बड़े लेवल पर जो है इंसान नफाक कर रहा होता है यानी जाहिर कुछ कर रहा होता है और पीछे उसके कुछ और छिपा हो रहा होता है अमली तौर पर कुछ और छिपा रहा होता है मसलन ज़ाहरा एक मुल्क दूसरे मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है जाकर हाथ मिला रहा होता है मरासिब में शिरकत कर रहा होता है लेकिन पीछे तो दुश्मनी कर रहा होता है पीछे तो जासूसी कर रहा होता है और शायद ये मतलब कभी अर्ज़ किया गया है कि बहुत सारे डिप्लोमेट्स को यही असल सिखाया जाता है ये तालीम दी जाती है ये इलमी तौर तो पर सिखाया जाता है कि किस तरह मुनाफिकाना ज़िंदगी ज़ाहिर कुछ और किया जाए और वाक कुछ और छिपा हुआ ज़ाहिरन मोहब्बत के इजहार हो बान में जो है बेजारी और नफ़रत हो ये बड़े पैमाने से लेकर के नीचे पैमाने तक ये बहुत ही राय चीज़ आज के ज़माने की है ये एक अलग बहस है इंशाल्लाह कभी तौफीक को हमारे बाज़ बुज़ुर्गान ने तफी थे उसमें बहसें की भी हैं आ, हमें याद आता है कि हम जब कम में हुआ करते थे तो वहाँ एक बुजुर्गवार इमाम जुम्मा शहीद सईदी के फर्दायतुल्ला सईदी उन्होंने कई सालों तक जो है ख़ुत जुमा में मुनाफ़ीन की बहस की थी और अच्छी बहस ये हमारे दीगर बाद अस्ात ने जो है इसकी बहुत ही मुफसल बहसें की हैं उर्दू में भी बहसें की गई हैं खुदा उन सब हिफाजत फरमाए इन शब्द और तोफ़ी हुई तो अपने माशरे के लिहाज से ये बहस की जाएगी लेकिन अभी सर ये कहकर आगे बढ़ने बढ़ना चाहते हैं कि वो लोग कि जिनके लिए हक अच्छी तरीके से रोशन नहीं है वो मजबूरन नफाक के मतलाक में और विफाक के मंजलाक में और रफाक के दलदल में जाके फंस जाते हैं और बुरी तरीके से फंस जाते हैं रफाक के दल नफाक के दलदल में फंसे हुए इंसान के लिए निकलना बहुत ही मुश्किल मरल होता है मसलन एक इंसान जो नादानी या जहालत की बुनियाद पर इनकार कर रहा हो कफ़्र कर रहा हो उसके लिए फिर भी निकलना आसान है कि जब भी शूर होगा जब भी तसुब ख़त्म होगा जब भी बेजानियाँ और नफ़रतें जो उसके दिल में डाली गई हैं वो थोड़ा ख़त्म होंगी कम होंगी या जब भी इंसान अकल के मंजिल पर पहुँचेगा तो मुमकिन है कि एक ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए और ऐसी तब्दीलियाँ बहुत तारीख़ में आई हैं बहुत सख्त कस्म के इनकार करने वाले लोग और मुखालिफ लोग हक़ के मुखालिफ लोग वो हक़ की तरफ पलटे और बहुत ही मजबूती से पलटे बहुत ही क़वत के साथ पलटे लेकिन वो लोग जो नफाक की मुश्किल में दो चार हो जाते हैं और नफाक के दलदल में फंस जाते हैं उनको भी इस्लाम मौका देता है कुरान उन्हें भी मौका देता है पैमर अक्रम सी एक असीम सिफती हफ़ा मुनाफिकों के चेहरे को ज़ाहिर नहीं करते थे मुनाफिक उनके पास आकर बैठते थे रसोल्ल इजहार नहीं करते थे सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न भाई उसके नमाज जनादा भी हद जा के पढ़ाई चूँकि उसका बेटा मोमिन था और उसने तकादा किया तो रसोल्ला ने जाके नमाज़ जनादा पढ़ाई अलबत वो नमाज जनादा, तो नमाज जनादा में बाज़ कलमात जो है दुआ के थे वो नहीं किए लेकिन पढ़ाई इन्हें रसोल्ला ने जो है इजहार और दीगर बहुत सारे मुनक़िन थे जो रसोल्ला की जान के दरपे थे रसोल्ला ने उनका भी नाम नहीं लिया इसलिए नाम नहीं लिया ताकि शायद जो है क्यों किसी वक्त में इनके अंदर रोशनी पैदा हो जाए और ये वापस पलट सकें अगर पलटने के लायक है वरना कुछ लोग तो ऐसे ही जिनके लिए कुरान वाजह तौर पर कहता है कि सवाऊन अल्य। सवा आस्तफ़र तम तस्तफिर रहूँ नई अक्फरल्लम चाहे आप उनको इनके लिए माफ़ी मांगें चाहे माफ़ी ना मांगें ए रसोल्ला आप इनके लिए इस्तफ़ार करें इस्तफ़ार ना करें अल्लाह इनको माफ़ करने वाला नहीं है चूँकि अल्लाह जो इनके दिलों से आगा है उनकी, उनकी मुश्किल क्या है उनकी मुश्किल यह है कि उस हकीक़त पर वो ईमान ही नहीं रखते फकत अपनी मनफातों की वजह से या किसी लालच की बुनियाद पर आकर इजहार करते हैं दीन का इजहार करते हों या हक का इजहार करते हों लेकिन उस पर ईमान नहीं रखते वो ईमान ना रखना ज़ाहिर कहाँ से होता है वो इंसान की अमली ज़िंदगी ज़ाहिर होता है और यह है मसला है इसके लिए हम सिर्फ तारीख़ में नहीं है तारीख़ को देखें ताकि इबरत हासिल हो लेकिन अपने अहद को ज़्यादा देखना है हमें कि कैसे पता चले कि इंसान जो इजहार कर रहा है उस पर ईमान है या नहीं है ये इंसान के अमल को आकर देखेंगे कि मसल अगर रसोल्ला से हमदर्दी का इजहार है दीन से हमदर्दी का इजहार है इस्लाम से अगर मोहब्बत का इजहार है और उस वक्त जब रसोल्ला की जान खतरे में पड़ती है तो वो मसल फ़रार करते हुए नज़र आते हैं रसोल्ला का साथ छोड़ कर भागते हुए नज़र आते हैं रसोल्ला को तन छोड़ते हुए नजर आते हैं या सख्त वक्त में रसोल्ला पर शक करते हुए नज़र आते हैं रसोल्ला को पर परराज़ करते हुए नज़र आते हैं खूब यहाँ से इंसान की अमली ज़िंदगी से ये पता चलता है कि अभी वो जो परवरदगार की तरफ से है उस पर पूरा यकीन नहीं उस पर पूरा भरोसा नहीं इसी तरीके से अपने दौर में हम देख सकते हैं कि मुमकिन है इंसान वो इजहार मोहब्बत में बहुत ही कवी हों बहुत ही मजबूत हों शायरी जोश जज्बात खताबत और चीख पुकार ये सब कुछ करते हों और रस्म व अंजाम देते हों मोहब्बत करते हों दीन से इजहार महबत रसोल्ला से इजहार मोहब्बत कुरान से इजहार मोहब्बत अहल बैत से इजहार मोहब्बत इन सब से इजहार मोहब्बत करते होते हों लेकिन जब अमली ज़िंदगी में आके देखा जाए तो ज़िंदगी में वो नहीं नज़र आ रहा क्योंकि अमली ज़िंदगी में वही होता है जो दिल के अंदर होता है जो वाकई इंसान का कैदा है तो होता है वही ज़ाहिर होकर आता है ये एक क़ानून है जो वाक इंसान की रूह में जो चीज़ गहराई में उतरी होती है वही चीज़ इंसान की ज़िंदगी में जाहिर हो रही होती है तो असल इज़हार करना कुछ और है ज़ाहिर होना कुछ और है जब इंसान इरादा करके इंटेंशनली आकर किसी चीज़ का इजहार करता है तो मुमकिन है बहुत बड़ा मोमिन दिख रहा हो बहुत ज़्यादा अकीदतमंद दिख रहा हो लेकिन जब उसकी नॉर्मल अमली ज़िंदगी को देखा जाए तो उस अमली ज़िंदगी में जो है वो दिल की हकीकत में जो छिपी हुई चीज़ें हैं वो ज़ाहिर हो रही होती हैं तो यहाँ पर यह इंसान जो है वो कन्फ्यूज़ इंसान हो जाता है यहाँ पर वाकई वो हक़ से दूर होता है इस राह में अगर आगे बढ़ता जाए तो ज़्यादा हक़ से दूर हो जाता है लिहाजा कुरान कहता है कि हक़ जो है वो परवरदगार की तरफ़ से है हल, हक को मिन रब भी क्या हक़ जो है तुम्हारे रब की तरफ़ से है और जब इस बात को समझ लो कि हक़ परवरदगार की, हक की तरफ़ से है तो फ़लात कून तरीन अब कनफ्यूज़ बन के ज़िंदगी नहीं गुजारे अब इंसान ला अला उलए वला एला उलए के चक्करों में नहीं रहे कभी इधर हो कभी उधर हो माह रमज़ान आ जाए तो कुछ और बन जाए और माहमान से जब बाहर निकले तो कहीं और नज़र आ रहा हो मस्जिदों का वक्त आए नमाज जुमा का वक्त आए तो कुछ और नज़र आ रहा हो और उसके अलावा उसकी ज़िंदगी कहीं और जा रही हो किसी और तरफ़ ज़िंदगी जा रही हो यानी एक अमली तौर पर जो है बेचारा जो है वो मुश्किल में पड़ा हुआ है शक की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है और नहीं दर कर पा रहा है लिहाजा मैार जो है उस मीर को अगर इंसान निगाह में रखता है कि हक़ का मेयार और ख़ुद हक का महवर वो जो है ज़ात परवरदगार अल्लाह की जात है कि जिसकी तरफ कुरान में मुतद तरीके से इशारा किया गया है कुरान कहता है कि दिगर बाद में आएंगे लेकिन इसे एक नुकते की तरफ बहुत ज़्यादा तोज्जो करने की ज़रूरत है जहाँ कुरान कहता है कुल हालिक इल्ला वजह हर शय के लिए हलाकत है तबाही है ख़त्म हो जाना है लेकिन वही बाकी रहेगा जो वजह इल्ला वजह वजह परवरदगार वजह परवरदार यानी जो कुछ अल्लाह के लिए हो जिसमें इलाही रंग हो जिसमें इलाही पहलू हो क्योंकि बका जो है वो ज़ात परवरदगार के लिए है और ये एक क़ानून है क़ुरान में दीगर क़ानून भी हैं और बार बार इस बात की ताक़ की जाती रही है और खूब माहर हम अच्छा है कि इंसान कुरान से वो क़ानून और उन असूलों को निकालने की कोशिश करें उन सुन्नतों को कि जो कुरान में बयान की गई जो जिसको सुन कुरानी की यह कलमा अलग अलग क्लमत उसके लिए अल्लाह ला मुबिल अल्लाह के क्लाम में तब्दीली नहीं होने वाली है अल्लाह की सुन्नतों में तब्दीली नहीं होने वाली ना इसमें तब्दीली है ना तहवील है जो हमेशा बाकी रहने वाली हैं वो वही असूल हैं वो वही कानून है जो कुरान में बयान किए गए हैं इस पर हमारे बास बुजुर्गान ने किताबें लिखी हैं शहीद मतहरी रमत आवय मिसबा यजदी और दीगर हमारे बाद बुजुर्गान ने और हमारे उस्ताद बुजुर्गवार हैं इन्होंने कई साल से एक दर्श जो है बहुत मुफसल दर्स चल रहा है कई सालों से सुन इलाही के ऊपर ये अहम मसला है यानी कुरान से जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है कुरान से लेना वो वो असूल वो सुन्नतें वो क़ानून वो फार्मूले हैं कि जो कुरान में लगाकर रखे गए हैं और वही फार्मूले और वही उ हैं जो असल इंसान को हिदायत की तरफ़ लेके जाते हैं जिसके ज़रिए से कुरान खुद अननासवा फ़ुर्क़ान और तिबियान बनता है जिसके जिसकी वजह से जिस सारी चीज़ें कुरान की जाहिर होती हैं एक क़ानून क़ुरान का ये है अभी हमारी बहस जो है वो सौरही में अलावानी में नहीं है मुमकिन है कि कभी तोहफ़ी करी तो इसको अर्ज़ किया जाए लेकिन मुराज़ा कर सकते हैं देख सकते हैं दीगर जो बुज़ुर्गान ने बहसें की हैं और बहुत ही अहम बहसें की हैं और जो किताबें भी लिखी गई हैं जिन लोगों को शौक़ है उन किताबों की तरफ भी मुलाया कर सकते हैं लेकिन अभी हमारी सिर्फ एक कानून तरफ बहस है कि चूँकि अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है लिहाजा बका हर उस चीज़ के लिए बहुत गौर से इस मतलब को सुने कि बका हर उस चीज़ के लिए है और वही चीज़ हक है चूँकि अल्लाह की ज़ात हक है और हक उसी की तरफ से है तो हक भी वही है जो जितना ज़्यादा रबतें में जो जितना ज़्यादा जो अमल जो सोच जो फ़िक्र जितना ज़्यादा अल्लाह से रबित में पैदा होती रबत पैदा करती चली जाती है अल्लाह से जिस क़दर रबत में आती चली जाती जिस पर जितना ज़्यादा इलाही रंग नज़र आने लगता है उतनी ज़्यादा उसके लिए बका और कामयाबी है यानी उतनी ज़्यादा वो हमेशा बाकी रहने वाली है और चो क़ानून ये है चूँकि अल्लाह की ज़ात बाकी है क्योंकि और सबको फना होना है यानी सिर्फ जा, जो ज़ात बाकी रहने वाली वो अल्लाह की ज़ात है कुरान में सूरह रहमान में इरशाद हुआ कि कुल्लु मन फ़ान वबका वजह रब्बे का दिल जला वली कराम हर हर चीज़ के लिए फ़ना है फ़ानी है वही मतलब जो पहली वाली आयत पेश किया गया जिससे पहले की कुल्ल शन हाल वजह हर शय के लिए हलाकत है सवाय परवरदगार के यहाँ खुरान में सर रहमान में इस तरह बयान किया गया कि चूँकि ज़ात परवरदार उसके लिए बका है लहजा जो कुछ भी उससे जुड़ता चला जाए और जितना उसके अंदर इलाही पहलू पैदा होता चला जाए चाहे वो इंसान हो चाहे वो खुद इंसान का अमल हो चाहे कोई और भी चीज़ हो जितना ज़्यादा उसका रंग इलाही रंग होता चला जाएगा उसके लिए उसी कदर बका है और उतनी ज़्यादा वो हक़ है तो हक़ के पहचानने का एक मैार है जब इन शाला होगी हक़ की पहचान की तो वहाँ पर ये बहस इनशा अर्ज की जाएगी कि वो पहचान के मैार कुरान ने बयान किया नहीं क्या किए हैं उसमें एक मैार यही होगा कि असल हक़ जितना ज़्यादा इलाही रंग इंसान में पैदा होता चला जाए उतनी ज़्यादा वो हक़ से करीब होता चला जाएगा इसीलिए हती जो दीन है जो फ़िक्रे हैं जो मुमकिन है एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा क़वत और शिद्दत के साथ कोई बात पेश की जाए लेकिन वो ख़त्म हो जाएगी लेकिन जो चीज़ बाकी रहने वाली है वो कुरान कहता है कि किरसल रसूलो बिलुदादी अक़ लियो ज रू अलद्दीन कुल्ले अल्लाह ही की ज़्यादा है जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ क्यों लियो धरू अलद्दीन कुल्ले ताकि वो ये जो दीन हक अल्लाह की तरफ़ से दीन हक आया है वो तमाम दीगर अदियान पर गालिब हो जाए गालिब हो जाए ये भी एक यकीनी मरल है और यहाँ पर एक मतलब चूँकि आयत पहले पढ़ चुके हैं अभी यहाँ पर इस आयत को रुकना नहीं है लेकिन एक मतलब की तरफ इशारा करके हम आगे बढ़ते हैं कि जिस दीन को जो कि अभी दीन की बहुत सारी शक्लें नज़र आती हैं अलग अलग दीन और दीन के अंदर भी बहुत सारी शक्लें एक दीन के अंदर फ़िरकों के नाम पर या किसी और भी नाम पर अभी तो फ़िरक़े थे अभी यू भी फ़िरकों फिरको, फ़िरकों के अंदर भी बहुत सारी शक्लें नज़र आती हैं लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ हक़ नहीं है सिवाय उसके कि जो अल्लाह की तरफ़ से हो और बेहतरीन मेार यह है इंसान के परखने का अपने दिन को अपने दिन को जिस दीन पर वो है ख़ुद और खुदा ना करे कि किसी फ़िरक़े में हो चूँकि फ़िरका जो है एक बातिल चीज़ है और इस्लामी लिहाज से जायज़ नहीं है हराम है लेकिन जिस दीन पर अपने आप को समझता है उसमें भी ये देखे कि कितनी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं कितनी अलाही हैं और कितनी गैर अलाही हैं कितनी अपनी बनाई हुई हैं कितनी अपनी बनाई हुई रस्में हैं जो कुछ भी हैं जितनी एलाही हैं और उसमें जितना एलाही रंग है वही जो है वो हक है जो कि हक परवरदगार की तरफ से ये एक बेहतरीन मैार है और बुनियादी तरीन मीर है कि जहाँ भी इंसान की ज़िंदगी में या इंसान के अमल में इंसान के दीन में चूँकि दीन बहरहाल बहुत बड़ा रोल अदा करता है इंसान की ज़िंदगी में इंसान अपने पूरे दीन में आकर इस मेयार के तहत पूरे दिन को एक तक खगाड़ डाले कि देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें इलाही हैं और जो चीज़ें इलाही हैं जिसमें इलाही रंग है जिसको अंजाम देने के बाद इंसान अपने परवरदगार से करीब होना महसूस करता है जिसके अंजाम देने से उसका रबत अल्लाह से कवी होता है अल्लाह से रबिते को एहसास करता है वो समझ ले कि यह हक है और ये अगर यूँ ही आकर रस्मों में पड़ा हुआ है अंजाम दे रहा है उससे असल ये ये जो बहुत सारे अमूर हैं जिसको कहा जाता है शारुल्ला इसी लिए कहा जाता है यानी इसलिए कि ये अल्लाह की अमत बने अल्लाह की तरफ ले जाए वैसे मतलब इंसान हती एक जानवर को भी ले आके बाह कर रहा है अल्लाह के लिए प्रवर वगैरह में कुरबानी दे रहा हूँ जैसे कुरबानी का क़ुरबानी का मतलब ये क़ुरबानी का लफ्ज़ क़र्ब से बना हुआ है क़र्ब यानी करीब होना इन इंसान अगर एक जानवर भी ला कर ब कर रहा है अब जानवर तो जानवर है जानवर का जानवर का दर्जा इंसानों से बहुत पस्त है लेकिन ये जानवर भी अगर इंसान के अंदर इलाही पहलू पैदा कर करने की प्रवरदगारा इस जानवर को मैं तेरे लिए बा कर रहा हूँ तेरे बंदों को खिलाने के लिए तो ये जानवर भी शायरुल्ला में से हो जाएगा और इंसान क़ुरान बैठ के पढ़ रहा हो लेकिन उसका पहलू जो है इलाही नहीं हो अल्लाह के लिए नहीं हो तो ये शायरुल्ला नहीं बन पाएगा यानी मुकदस से मुकदस अमल अनजाम दे रहा हो नमाजें पढ़ रहा हो लेकिन कुरब परवरदगार का सबब नहीं बन रहा रबिते के एहसास नहीं हो रहा है और रवायत में असला तो क़ुरबान नमाज जो है वो हर मतकी इंसान के लिए लिएब का ज़रिया है नमाज इंसान को सबको नहीं मती को जिसके पास तकवा है हैर्बान व्ल तकी हर तकी ती इंसान के लिए जो है वो कुरान नमाज़र्ब का ज़रिया है लेकिन अगर ये ये नमाज जो है इंसान अगर प्रोफेशनल तौर पे पढ़ रहा हो प्रोफेशनल तौर पे पढ़ा रहा हो अतः पढ़ा रहा हो तो वो कुर्बान के सबब नहीं बनती है। हमारे एक बुजुर्गवार थे बहुत पहले शायद दसियों साल पहले की बात बयान कर रहे थे कि एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जो नमाज़ पढ़ाता था इमाम जमात था वजू करके नहीं आता था असल वजू भी नहीं करता था पूछा भैया तुम क्या करते है? वजू क्यों नहीं करते है? क्या वजू से लोगों से क्या मतलब लोगों से मतलब नमाज़ से है मैं नमाज़ पढ़ा रहा हूँ अच्छी करात के साथ पढ़ा रहा हूँ ये नमाज लोग पढ़ रहे कभी तुम्हारा अपना तुम तो खुद देखो तुम वजू क्यों नहीं कर रहे हो काम है किसी चीज़ पर भरोसा ही नहीं हम हम मानते ही नहीं फिर कर क्यों रहे हो ताकि हमें तनख्वाह दी जाती है तनख्वाह के लिए कर रहे हैं यानी ये बिल्कुल एक नमाज़ भी पढ़ा रहा है बिल्कुल प्रोफेशनल तौर पे जिस तरीके से एक सर्विस करने वाला जाकर इंसान जाकर ऑफिस में काम करता है उसको आगे महीने में उसके कार्ड में उसके अकाउंट एक में जो है वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है ये नमाज पढ़ रहा तो वो अमल जो कुर्बान है जो कुर्ब का जरिया है जो मराज है मोमिन है जो बेहतरीन ज़रिया है करीब करने का इतना अमल जो जिसके लिए रवायत में है कि अगर ये कबूल तो सब कबूल ये रद्द तो सब रद्द हो जाए वो अमल भी अगर इंसान को करीब नहीं कर रहा है और कुर्ब का सबब नहीं बन रहा है और राबते के सबब नहीं बन रहा है तो ये ये इलाही अमल नहीं रह गया ये एक एक रस्म हो गई फ़कत एक रस्म इंसान एक रस्म अंजाम दे रहा है इस तरीके से दीगर अमाल भी हैं इंसान इस मेयार पर आकर अपने तमाम अमाल को जांच सकता है परखने का एक बेहतरीन मेयार इंसान की ज़िंदगी के अमाल को परखने का एक बेहतरीन मेयार ये है कि हर वो अमल जो सलाहियत रखता हो अब्दमाबूद के दरमियान में रबत पैदा करने की सन रोज़े को इतना अहम क्यों करार दिया गया बहरहाल रोज़े में इंसान भूखा रहता है एक अरतबा रूहानी तौर पर इंसान को होता है ये मतलब कभी अर्ज़ किया गया है कि कि इंसान जो भूखा रहता है ये मुमकिन ही नहीं सिर्फ दिखावे के लिए भूखा रहे चूंकि ये ये हो ही नहीं सकता और उसका फ़र्क बताया गया कि नहीं मालूम इन दिनों में बताया गया नहीं बताया गया पहले बताया गया हतमन कि रोज़े में और दीगर अमाल में फ़र्क ये है शायद शुरू में इशारा किया गया था कि और दीगर आमाल में कुछ करना होता है जो दिख रहा होता है रोज़े में कुछ करना ही नहीं है रोज़े में छोड़ना ही छोड़ना है जितना छोड़े इंसान उतना इंसान का रोज़ा खाना छोड़ दे पानी छोड़ दे गुनाह छोड़ दे गलत चीज़ों की तरफ देखना छोड़ दे गलत चीज़ों को सुनना छोड़ दे गलत चीज़ें सोचना हत छोड़ दे सब कुछ छोड़ना ही छोड़ना है तारीफ भी है कि यहीवर मार्मिल्ल हराम यही। को छोड़ते रहना गुनाहों को छोड़ते रहना फसाद को छोड़ते रहना नुकसानदेह चीज़ों अब रोज़ा सब छोड़ना छोड़ना है तो छोड़ने वाली चीज़ तो दिखती नहीं है जो की जाए वो दिखती है जो इंसान अमल अंजाम दे रहा वो दिखता है लेकिन जो नहीं कर रहा वो तो नहीं दिखता है इसलिए रोज़े में बहरहाल चाहे सबसे निचले दर्जे का रोज़ा हो चाहे यही रोज़ा खाली भूख प्यास वाला रोज़ा हो ये भी बहरहाल इंसान दिन भर जो भूखा और प्यासा रहता है अल्लाह के लिए रहता है इसलिए क्योंकि ये क्योंकि ये मुमकिन ये तो नहीं होता कोई रोज़ेदार ऐसा तो नहीं करता अगर कोई ऐसा करता हो तो फिर वो तो खैर रोजेदार ही नहीं है और बात तमाम हो गई लेकिन कोई भी रोज़ेदार चाहे निचले कितने निचले दर्जे का रोज़ा रख रहा हो वो कभी ऐसा नहीं करता कि रोज़ा रखे और फिर जाके चुपके से पानी पी ले ये कहीं तनहाई हो मुमकिन है बच्चे लोग प्यास लग जाती हो ऐसा करते हो लेकिन रोज़ेदार इंसान जो है वो ये नहीं काम नहीं करता तो यही इंसान की जो सिर्फ असल अगर भूखा ही रह रहा हो और प्यासा ही रह रहा हो तो भी वो अल्लाह के लिए दिन भर भूखा रहा है अल्लाह के लिए प्यासा रहा है इसलिए रोज़ा ख़ास हो जाता है फिर यही भूखा रहना फिर खुद ब खुद दूसरी तौफ़ात को बढ़ा देता है खुद ब खुद इंसान में यानी एक काम जब अल्लाह के लिए इंसान करता है तो दूसरे अच्छे काम के इंसान को ख़ुद ब खुद तोफ़ी होना शुरू हो जाती है फिर वो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को रोक दे बहुत सारे जराइम गुनाहों पस्तियों से अपने आप को रोकता है क्योंकि भाई अभी रोज़े की हालत में है लोग भी कहते हैं भाई ये रोज़े की हालत में इंसान है तो ये तोफ़ीक बढ़ती चली जाती है बस ये अमल इंसान को किसी न किसी तरह से अल्लाह से करीब कर रहा होता है इसी तरह हर अमल का मैार यही इंसान लाखों रुपए ख़र्च करके और महीनों तक जाकर हज करे लेकिन अगर वो अमल इंसान को अल्लाह से करीब नहीं कर रहा हो तो हक़ नहीं पहुंचा, यानी हक़ नहीं वो भी एक रस्म अदा करके चलाया हज की रस्म अदा करके चलाया इस तरह हम अपने अपने घर में अपने मोहल्लों में मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ तारीखें आती हैं मुख्तलिफ मुनासबे आती हैं उसमें इंसान इस पहलू से आकर देखे कि कौन सा अमल चाहे खिलाना हो पिलाना हो कुछ और करना हो उसमें यह देखे कौन सामल इंसान को वाकन अब्दमाबूद के दरमियान में रवते को महसूस करा रहा है वो अमल हक़ है वह अमल यकीन हक हाँ है वो अमल इस बात की सलाहियत रखता है कि अगरचे वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो दूसरी शर्तें अपनी जगह पर महफूज हैं अगर वो शरीयत के खिलाफ ना हो अगर वो दीन के असूलों के खिलाफ ना हो यूँ ही इंसान नहीं महसूस करने लगे मुझे इसमें भी अल्लाह के तरफ नज़दीकी नज़र आती है अल्लाह से क्रो होना नजर आता चूँकि पहले ज़माने की आयत पढ़ी आपकी सूरह ज़ुमर की शायद दो तीन दिन पहले ही पढ़ी थी कि लोग जब बुद परस्ती करते थे तभी भी कहते तुम क्यों करते कहते कि हम तो इसलिए करते हैं कि इसके ज़रिए से हम अल्लाह अल्लाह से करीब हो इसके ज़रिए अल्लाह से कैसे करीब होगा इंसान जब इंसान अल्लाह के लिए अल्लाह के मुकाबल में खुदा बना के बैठा हुआ है तो कैसे करीब होगा हाँ पत्थरों के ज़रिए से करीब हो सकता है जिस तरह अल्लाह की सारी खिलकत अल्लाह की निशानी वैसे पत्थर भी अल्लाह की निशानी है वो अगर सिर्फ एक निशानी के तौर तो पर देखे तो ठीक है वो अल्लाह की याद दिलाती है कि पत्थर जो है के रंग रंग के मुख्तलिफ शक्लों के दरख्त फूल पत्ते फल ज़मीन आसमान स्यारे सितारे पूरी कायनत पूरी तमाम आफाक इसमें मौजूद तमाम चीज़ें ये सब के सब अल्लाह की निशानियाँ हैं कि जैसा कि अमीर उमुमन अली रबित सलाम के ये मरूफ जुमला है कि हमने किसी भी चीज़ को नहीं देखा माँ राय तो शैन अल्ला वायतुल्ल कबल हुआ वादा हुआ माँ हूँ मैंने किसी भी चीज़ को नहीं देखा मगर उससे पहले भी उसके बाद भी उसके साथ भी अल्लाह को देखा चूँकि हर शय में बहराल अल्लाह की निशानी है हर शय अल्लाह की कम से कम अल्लाह की खिलकत के जलमों को दिखा रही होती है फिर इंसान जितना उसके अंदर गहराई हो उतनी ज़्यादा और ज़्यादा सोच सकता है अल्लाह का इल्म अल्लाह की हमत अल्लाह की रबूबियत अल्लाह का करम अल्लाह की बहुत सारी सफ़ात को जो इंसान मुख्तलफ़ चीज़ों में ढूंढ सकता है और और वो चीज़ अल्लाह के लिए इंसान की निशानी बन सकती है लेकिन वो चीज़ जो अल्लाह को छोड़कर उसकी बंदगी के लिए बनाई गई और झूठ में इंसान रही है इसके ज़रिए से अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं तो वो नहीं होता ले अपनी बनाई हुई रस्मों के ज़रिए से नहीं रस्मों को भी बताया गया है कि किन उन उमूर के ज़रिए से इंसान जो है किस तरीके से अल्लाह को याद करे और अलहमदिल्ला हमारे पास एक कामिल मुकम्मल जाम दिन मौजूद है जो आकर हमें ए, बताता है कि हमें किन अमूर के ज़रिए से अल्लाह से करीब होना है पूरे दिन के लिए पूरे ए, पूरे ज़िंदगी भर के लिए हमारे पास एक मुकम्मल इस्लाम ने पैकेज दिया हुआ है कि इन अमूर के ज़रिए से जब अल्लाह की तरफ़ से इतनी चीज़ें तय हैं तो अपनी तरफ़ से बनाने की फिर ज़रूरत ही पेश नहीं आती खैर तो हमारी बहस यहाँ तक पहुँची थी कि आ, ये इस मैार पर इंसान आकर अपने तमाम अमूर को देख सकता है और परख सकता है और वे अगर ये शुरू करना चाहें अल्लाह से मदद करके लेकर और तोफ़ी मांग कर कि अपने अमूर को आकर इस इलाही पैमाने पर परखना शुरू करें कि जितने भी हमारे पास आस पास में अमूर अंजाम दिया जा रहे हैं वो अमूर कितना ज़्यादा अल्लाह से करीब करने वाले हों तो उसमें फिर वो हक़ दिखना शुरू हो जाएगा और हक वातल की जो है वो यहीं से फिर दूसरी पहलू सामने आ जाता है कि वो चीज़ें जो अल्लाह से करीब नहीं कर रही हैं जिससे अल्लाह से करीब होने के एहसास नहीं हो रहा है जो अमूर जो है अब्दमाबूद के दरमियान में रबिते को नहीं महसूस करा रहे हैं वो फिर हक नहीं रह जाते वो फिर हक़ के दायरे से बाहर निकलते चले जाते हैं कि यहाँ पर जो है चूँकि आज का जो दिन गुज़रा है वो सख्त दिन था यानी ऐसा दिन कि अब इसके बाद वाली गुफ्तु इनशाला जारी रहेगी आज का दिन जो गुज़रा है ये ये तारीख़ इस्लाम की यह तारीख़ ये तारीख कायनत के अजीम तरीन इंसान यानि ख़ुद ज़ात पैम्रक्रम सल्ह वसम के लिए बहुत ही सख्त तारीख़ थी सख्त दिन था मुश्किल दिन था यानी फकत एक दिन मुश्किल नहीं था बल्कि इस दिन का गम रसोल्ला की पूरी ज़िंदगी में नज़र आता रहा यानी ये हक परस्त बीवी और हक़ की सख्त मुश्किल वक्त में जो है नुरत करने वाली बीवी जब अकेले होकर रसोल्ला की नुरत कर रही थी उसकी ये हिमायतें, उसकी ये फहम, ये हक के बारे में इतनी इतना ज़्यादा वाज तौर पर कि तारीख़ में और भी हैं उज़म अम्बियाँ हैं लेकिन उनकी बीवियों ने उनका साथ नहीं दिया दुलानी ज़िंदगी में साथ नहीं दिया कुरान ने दो नमूने तो मतदद जगह बयान किए हैं कभी अलग अलग कभी एक साथ बयान किया है कि इमरात नूह व इमरात लूत लूत की बीवी और जानब नू की बीवी खूब लूत उल अजब नबी नहीं थे लेकिन बहरहाल एक कुरान में जिक्र किए हुए नबियों में से एक नबी हैं उनकी बीवी उनके साथ नहीं रही काब्रीन नहीं थी हक के रास्ते पर नहीं थी हक शौहर हक होते हुए नबी होते हुए नबी के रास्ते पर नहीं थी और हजरत नू जो एक उलुलाजम नबी थे और अम्बिया जिनका लकब है बुज़ुर्ग नबी थे और अजीम नबी थे उनकी बीवी उनके साथ नहीं थी तो ये लाजिम नहीं है कि नबी की बीवी हो तो नबी की बीवी का होना ये मीार बन जाए हक का बस वो हक होगी नहीं ने उसके नमूने पेश किए हैं इस तरह और भी दिगर चीज़ें वो मीर नहीं बनती अभी हमारी ये बहस नहीं है कि रिश्ते रिश्तेयार बनते हैं नहीं बनते असल हमारे यहाँ ये राय चीज़ है कि लोग समझते हैं रिश्ते जो है मेयार है फ़लाँ घराने के है लिहाजा हक है फ़लाँ नस्ल से है लिहाजा हक है कुरान ने आकर इसकी सरी हन रद की बहुत वाज तौर पर एक जगह नहीं मतदद जगहों पर इसकी रद्द की है कि नहीं इससे कुछ तय नहीं होता रिश्तों से कुछ तय नहीं होता बल्कि हक़ की अताद करने और साहिबान हक़ की अताद करने से जो है इंसान हक होता है लिहाजा और भी तारीख़ में रहे अम्बिया जिनकी बीवियाँ उनके साथ नहीं दे पाई हैं या अगर दिया है तो इस हद तक नहीं दिया है लेकिन जनाब ख़िया सलाम्ह वो बीवी थी जिन्होंने रसोल्ला की ज़िंदगी में इस तरह रसोल्ला के हम वम में शरीक थी अपने पूरे वजूद से रसोल्ला की शरीक थी क्योंकि उन्होंने वो नूरानियत में अमर करम सल्ला ने देखी थी और उसको महसूस की थी और यह नौरानियत फ़क्त उस ज़माने के लिए महदूद नहीं है ये नूरानियत रसोल्ला की हर दौर के लिए जब इंसान वाक़ रसोल्ला की ज़ात की उस नूरानियत को देखे तो उतना ही ज़्यादा जो है वो रसोल्ला के दीन और रसोल्ला के बताए दीन का ताबे और कामिल तरीके से पैरोकार होता चला जाता है जनाब इस खदीजा सलामल एक अजीम नमूना है हक़ की करने और हक़ के साथ हक़ के सामने तस्लीम होने और हक़ की हमायत करने का रवायात है अब ये आज के दिन में ठीक है कि ये दिन गुज़रा है और वफात की तारीख गुजरी हुई है तो बीबी -बी के बारे में एक दो रवायत भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ एक मरतब फ़रिश्ते आए और आकर रसूलुल्लाह को सलाम किया और रसूलुल्लाह को सलाम करने के साथ साथ रसूलुल्लाह से अर्जी किया रसूलुल्लाह अल्लाह की तरफ से खदीजा को सलाम इस तरह की रवायतें मुझे नहीं वो मकाम था कि खसूसी तौर पर परवरदगार की तरफ़ से जनाब खदीजा सलमिल के लिए सलाम आता था और ये जो रवायात हैं वो किसी एक फ़िरके में किसी एक जगह पर नहीं है यानी ये कामन रवायतें हैं और तमाम उमत मसलम के दरमियान तमाम उमत मसलमा के नज़दीक हज़रत खदीजा सलाम उल्ल का मकाम बहुत ही ज़्यादा अजीम और बहुत ज़्यादा बुलंद है फिरम सली वम की ये रवायत जो है वो मुख्तलफ़ लफ्ज़ों में अंदाज से कभी फजीलत के अंदाज से कभी जन्नत के अंदाज लफ्ज़ के साथ कभी दूसरे लफ्ज़ों के साथ शिया-सुन्नी किताबों में हदीस की किताबों में तारीख़ की किताबों में मुतद कसरत से बयान हुई यानी इस इस कसरत से बयान हुई कि फिर शिक व शुभ की कोई गुंजाइश नहीं है और बहुत सारे शनीा सभी पढ़ते हैं इस रवायत को कि जहाँ पर रसोल्ला ने फरमाया कि चार बीवियों का जिक्र किया है अब वो कलमात अलग हैं एक रवायत में यह है कि इश्क़तिल जन्नत अल अरब अरब इमिन अश्ताक़तिल जन्न जन्नत मुश्ताक़ है जन्नत शौक़ से और इश्ताक से इंतज़ार कर रही है कायनात की चार बीवियों का और वो चार बीबियाँ कौन सी हैं ये वही रवाय मुत में इसको बयान मरियम बिनते इमरान और आसिया बिन मुजाहिम आसिया जो अभी तारीख़ का बहुत ही बड़ा नमूना है अभी यहाँ पर हम नहीं बयान करते लेकिन इंसान इस पर गौर करेगा आसिया जो फ़िवन जैसे मुस्तकबिर और तावत की जोज़ा थी लेकिन इतना अजीम उस गंदे माहौल में उस जबरुतीत के माहौल उस में जब्बारीत के माहौल में और उस जो है बातिल माहौल में और ताबत माहौल में अपनी ऐसी तरबियत की थी और इतना ज़्यादा अपने मक़ाम को बुलंद किया था कुरान में ज़िक्र है कुरान आकर नमूने के तौर पर पेश करता है कि जे ये ख़ातून जनाब आसिया का ज़िक्र जनाब मरीम के साथ करता है और उनकी दुआ को जिक्र करता है कि परवरदगारा हमारा मकाम रब अबन लिंद काबै तफिल जन्ना परवरदगारा हमें अपने करीब यानी क़ुरब का की फ़िक्र है यानी कि मुझे जन्ना तो तजरी मिलता है ऐसी ज नहरें और ऐसी जन्नतों बल्कि परवरदगारा अपने करीब मुझे घर करार देना मेरा घर करारीब से मुराद जाहिर है कि पुरब जिसमानी नहीं अल्लाह के लिए जिसम के कायल होना ये बातिल है लेकिन उनकी ये दुआ थी यहाँ पर रसोल्ला की रवायत में कि ये खातून जो फिरौन के घर में ज़िंदगी गुजार रही थी लेकिन वो ईमान और अमल के लिहाज से इतनी बुलंदी पर पहुँची हुई थी कि पूरी तारीख़ की औरतों में से चार औरतों में एक नाम जो है इस खान का रसोल्ला सल्ला वसलम ने बयान किया और ये भी फरमाया कि वो जन्नत में जो है मेरी अहलिया मेरी वजह होंगी यानी रसोल्ला की वौजा होंगी और तीसरा नाम खदीजा बिनत क्वालत कि ये बीबी उस अरब के गंदे माहौल में बदतरीन माहौल अरब का उस बदतरीन माहौल में एक पाकिज़ा खातून एक अजीम खातून एक अजीम किरदार की खातून एक अजीम अखलाक की खातून ऐसा अखलाक जिसके साथ रसोल्ला ने पच्चीस साल तकरीबन ज़िंदगी गुजारी लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़ करते रहे ये खातून ऐसे माहौल में ये बहुत ही बड़ा नमूना है बाद लोग कहते हैं तोज्जो करें आ, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं मर्दों के लिए भी बाद लोग कहते हैं कि इतने गंदे माहौल में इतने बुरे माहौल में कैसे इंसान एक पाकिजा ज़िंदगी गुजार सकता है इतनी बुरी दुनिया है इतनी गंदी दुनिया है ये मीडिया की दुनिया फ़लाँ दुनिया इतने इस, ऐसी जगह पर कैसे इंसान जो है सालिम रह सकता है कैसे इंसान पाक रह सकता है उसके लिए दो बड़ा नमूना कुरान औरतों का पेश किया है कि एक फ़्र के दरबार में रहकर इतनी पाको पाकिज़ा और इतनी अजीम ख़ातून बनी कि तारीख़ की चार औरतों में से एक करार पाई और एक जनाब खदीजा जो अरब के और मक्के के उस जालमाना और गंदे और पस्त और घटिया और जहालत के माहौल में रहते हुए इतनी अजीम खातून बनी कि उन चार बीवियों में से एक बीवी जनाब खदीजा सलाम्ल् करार पाई और चौथी बीवी जनाब <سلام> <سلام> फातिमा सलामल फ़ातिमा बिन <बिन्ते> मोहम्मद की खुद जनाब खदीजा की बेटी खुद ही एक बड़ा मकाम है खुद जनाब खदीजा के लिए कि अल्लाह ने कायनात की अजीम तरीन खाद्य चूँकि दीर रवायतें मौजूद सुन्नी सब के यहाँ की सैदा लालमी ये जनाब फ़ातिमा जहरा सलाम्ला चार बीबियाँ हैं लेकिन चार बीबियों में सबसे बुलंद मकाम जो है वो जनाब जहरा सलाम का खूब अगर किसी बीबी का इतना अजीम मकाम बनाया करार दिया जाता है तो बहरहाल इसमें सबसे असली पहलू खुद जनाब जहरा सलाम्ला अपना किरदार है अपना ईमान है अपना तकवा है अपनी बुलंदी है लेकिन बहरहाल ये भी पहलू अहम होता है कि रसोल्ला रसो रसुल, जनाब जहरा रसोल्ला की बेटी हैं अगर मर्द की तरफ से रसोल्ला की बेटी हैं तो जनाब खदीजा की बेटी हैं यानी बहरहाल जनाब खदीजा की आजमतें इतनी थीं कि इस इस वतन में और उनके शिकम में एक ऐसी खातून जन जन बन रही हो जन्म लेने के लिए तैयार हो जन्म ले रही हो पैदा हो रही हो कि जो कायनात की अजीम तरीन खातून बने वो ये मरतबे होते हैं इंसान के और वो भी एक ऐसे माहौल में यहाँ पर आखिरी जुमला तमाम करते हैं एक रवाल दीगर पर अमीर उमिन अलीव नबी ताली उल्लाम से कि माम ने फरमाए किसादत नसाइल आलमीन आलमीन पूरे आलमीन की जो शादात सैद यानी सरदार जो बीबियाँ हैं वो चार हैं वो यही चार नाम अमीरमिन ने बयान किए और ये कि इस बीबी के जाने के बाद रसलोल्ला को हमेशा बम रहा हमेशा सदमा रहा तब अपनी बीवियों के सामने जिक्र करते थे और शायद बीवियों के सामने इसलिए भी जिक्र करते थे कि इस अज़ीम बबी के जिक्र के ज़रिए से उनकी तरबियत करें बीवियों की तरबियत जो मुख्तलिफ़ घराने से बीबियाँ आई हुई थी उसी अरब के कल्चर से आई हुई थी उनको भी तरबियत की ज़रूरत थी हर इंसान को तरबियत की जरूरत होती है उनको भी तरबियत की ज़रूरत होती उनको ज़्यादा इसलिए तरबियत की ज़रूरत थी कि रसोल्ला घर में आ रह रही थी कहीं कोई ऐसा अमल ना अंजाम दे की रसोल्ला के घर में होने की फिर तोह हो रहे हो लिहाजा रसोल्ला बार बार जनाब खदीजा के वो सदमा भी था आपको वो कलक भी था वो दर्द भी था उस अजीम खातून से छुट जाने के वो यादें भी थी रसुल जनाब खदीजा की और साथ में शायद तरबियत यहाँ तक एक मरतबा एक बीवी नेायशा रसोल्ला की जोजा ऐायशा ने पूछा आप क्या है? इस एक बूढ़ी औरत के तनाज़री करते रहते हैं रसोल्ला के चेहरा मतगैर हो गया और फरमाए कि उस वक्त में खदीजा ने मेरी नुरत की मेरी मदद की मेरी हमायत की जब कोई भी हमायत करने वाला परवरदगार की बारगाह में दुआ है कि वो हमें सख्त वक्त में हक़ पर बाकी रहने और हक़ की हिमायत करने हक़ की नुसरत करने हक़ के हामिल होने की तोफ़ी के नायत फरमाए अलहमदिल्ल रबालमी वाला महमदिन